नमस्कार, मैं दिनेश प्रजापति कैमरामैन नीरज के साथ। हम लोग आए हैं यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय सदरपुर शिक्षा क्षेत्र मिर्जापुर जनपद आजमगढ़ में। हम लोग इस समय आए हैं यहाँ पे, कुछ कार्य हो रहा है शौचालय का, इसी से संबंधित कुछ बातें जो हम लोग जो है ग्रामीणों से करेंगे। यहाँ पे कुछ ग्रामीणों ने हमको सूचना दिया कि यहाँ पे नियमानुसार कार्य नहीं हो रहा है, मानक के अनुसार जो यहाँ पे ईटा और मसाले का जो है नहीं हो रहा है। आप कहाँ से हैं? हम तो सर यहीं पर हैं, सदरपुर हमारा घर। अच्छा, है क्या नाम है आपका? बिंदु यादव। अच्छा, तो यहाँ पे जो ये काम हो रहा है इसमें ईटा जो है सही नहीं दिख रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? अब ये तो सर ये जो लोग करवा रहे हैं उनको तो दिखना चाहिए, सेमा लग रहा है पूरा सब एकदम। अच्छा, सुबह से तो मैंने यही डेली आता जाता हूँ, देखता हूँ एक बित्ता इसका जो है वो है, बुनियाद है इसकी। अच्छा, एक बित्ते। कैमरामैन दिखाइए यहाँ पे बुनियाद कितनी है यहाँ पे, और कितनी बुनियाद होनी चाहिए यहाँ पे दिखाइए इसको जो है। देखते हैं कैमरामैन को कहेंगे थोड़ा दिखाएं। देखिए यहाँ पे ईंट की गुणवत्ता आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे जो है सेमा ईटा लग रहा है, जहाँ पे यहाँ पे अव्वल ईटा होना चाहिए। अभी यहाँ पे कोई बच्चा जो है शौचालय जाएगा, ये अगर भरभरा के गिर गया तो यहाँ पे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होना यहाँ पे दिखाया जा रहा है। पूरा पता चल रहा है कि यहाँ पे मानक के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इसमें मौजूद हैं सदरपुर शिक्षा क्षेत्र में, प्राथमिक विद्यालय सदरपुर है और ये नदी के किनारे विद्यालय मौजूद है। यहाँ पे ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ पे जो है मानक अनुसार कार्य नहीं हो रहा है। इसकी जो है नींव है, नींव इसकी जो है काफ़ी जो 3 फीट नीचे होनी चाहिए मानक के अनुसार, और ये काफ़ी ऊंचाई पर ही दिख रही है। अब मिस्त्री जी इसमें बताइए नींव जो है कितना फीट होना चाहिए? 4 फीट का मानक हो? ढाई फीट है। ढाई फीट। अच्छा, हमारे पास एक वीडियो आई है उसमें एक बित्ता दिख रहा है पूरा गड्ढा। हाँ, अभी अगर इसको खुदवा दिया जाए तो 3 फीट निकलेगा। मिस्त्री बता रहे हैं कि 2.5 फुट मानक रहता है कहीं। अच्छा, कैमरा मैन आइए। तो कितना फीट खुदाई की है? 2.5 फीट। नापने पे हो जाएगा। एक मिनट मुझसे बात कीजिए, ईंटे से आप संतुष्ट हैं? ये ईंटा यही होता है, ईंटा यही लगना चाहिए। मिस्त्री जी आप थोड़ा नीचे आइए। तो यहाँ आप मान रहे हैं कि धांधली में लगना चाहिए? भाई जो लगा मिलेगा। अगर इस तरह का ईंट अपने मकान में आप लगाएंगे? नहीं, हमने घर में काहे के लगाई। क्यों? अब ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है? हम लगा रहे हैं। कौन लगवा रहा है? जो काम कर रहा है वो लगाएगा। उनको बुलवाइए, उनको ठेकेदार कौन है बुलवाइए, कौन है वो? हम क्या बताए? नहीं, जैसे कि आपको देखने में ये ईटा सही है? नहीं भाई, तो नहीं दिख रहा। नहीं, ईट ऐसा लगना चाहिए? नहीं। क्या कोई अपने मकान में इस तरह का ईट लगाएगा? नहीं लगाएगा। अब ये भर भरा के गिर जाए, किसी कोई बच्चा इसमें टॉयलेट करने जाए तो अगर ये गिर गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जो बनवा रहा है। अच्छा, कौन बनवा रहा है? प्रधान। क्या नाम है प्रधान का? रामराज यादव। रामराज यादव यहाँ के प्रधान है। अच्छा, जी इनके गांव में भी काम हुआ, बताते हैं लोग, पुलिया वुलिया सब टूट गई, यही सब ईंटा लगा था। अच्छा, हाँ, ईंटे की गुणवत्ता तो हम लोग इन्हीं गांव में कार हुआ है, पूछ लीजिए। अच्छा, तो यहाँ पे जो रामराज प्रधान है, आप यहाँ पे क्या हैं? हम तो सर एक समाज सेवक है, हमारा ही घर है। अच्छा अच्छा, हाँ। तो इसके ये जो आप लोगों ने इसकी कहीं शिकायत किया किसी अधिकारी को या किसी जनप्रतिनिधि को? आपने बताया कि यहाँ पे मानक के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है, ये गुणवत्ता इसकी किससे शिकायत किया जाए? कोई मौके पे यहाँ कभी दिखाई नहीं देता है। अच्छा, कोई प्रधान आवे यहाँ पर या कोई ठेकेदार हो, जो भी कोई हो यहाँ पर दिखाई देता तो उससे पूछा जाता है। अच्छा, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। कोई सरकारी कर्मचारी कभी आया कि नहीं आया मौके पर? अभी तो हम नहीं देखे, अब ये लोग बताएं आया होगा तो ये लोग देखे होंगे कि नहीं देखे। चलिए, हम लोग जो है इस सिलसिले में जो है सेक्रेटरी से बात करेंगे। जो है गुणवत्ता यहाँ की बहुत ही खराब है। ये हमारे ग्राम सभा में जितने काम होते हैं सब इसी घटिया तरीके काम होते हैं। सब जो है अब देखिए बालू आप देख लीजिए, जो व्हाइट बालू गिरा है उसमें से देखिए सबसे ज्यादा बालू वो खर्च हो गया। अब इसमें से ज्यादा 2-3 कराही निकला हुआ देख लीजिए आप, वहाँ पर खुद देखिए आप। अच्छा,
ईटा ये देख लीजिए मट्टी की तरह ईटा है। कैमरामैन बालू का और इसी तरीके का पंचायत भवन भी बना है और इसी तरीके का पंचायत भवन भी बना देख लीजिए उधर बना हुआ है विजय देख लीजिएगा। अच्छा अच्छा जब बच्चों को रहने के लिए इस तरीके का मटेरियल लग रहा है तो अब पंचायत भवन में कैसा लगा होगा। अरे सर इनसे पूछ लिया कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है आइए और अच्छा मुरारी सेक्रेटरी बोल रहे हैं हम लोग प्रेस से हैं जो है जहाँ ये सदरपुर जहाँ प्राथमिक विद्यालय पर शौचालय बन रहा है वहाँ हम लोग मौजूद हैं। आप आइए यहाँ की गुणवत्ता देखिए जो है ईंट की गुणवत्ता बालू की गुणवत्ता मसाला जो बना है उसकी गुणवत्ता देख लीजिए जो है। हाँ आइए देखिए इसी तरह से ईंट लगती है यही मानक है कि ईंट पटक दिया जाए तो जो है भरभरा के जो है पूरा चूर हो जा रही है। कहाँ हैं इस समय आप? कौन बोल रहे हैं? मैं प्रेस से बोल रहा हूँ यूथ कॉर्नर न्यूज से। प्रेस से आपका नाम? शुभ नाम? शुभ नाम रविंद्र यादव है। बता दीजिए कई आइए कई पेपर वाले आए हैं सब कई प्रेस से हैं जो है आइए यहाँ पर आप आइए देखिए जो है बताइए मानक बताइए एस्टीमेट दिखाइए हम लोगों को। अच्छा ये क्या बन रहा है? ये क्या बन रहा है? हमको नहीं मालूम होगा प्रधान को मालूम होगा। जैसे आपको नहीं पता ये क्या बन रहा है? नहीं मालूम है नहीं। अच्छा बाबू ये क्या बन रहा है उसको पता नहीं पता। अच्छा एक बच्चे से हमने पूछा यहाँ पे लेटरिंग बाथरूम बन रहा है। अच्छा तो ये जो है इसमें जो ईंट लग रही है इस तरह की ईंट क्या अपने मकानों में कोई लगवाता है? नहीं हाँ नहीं। ये ईंट आपको सही लग रही है? नहीं हमको सही नहीं लग रही है। हाँ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक बालक से हम लोगों ने पूछा ग्रामीणों से पूछा और भी यहाँ पे कुछ जो है विशिष्ट लोग यहाँ पे आए हुए हैं तो इससे सब लोगों से बयान लेने के बाद पता चलता है कि इसकी गुणवत्ता ईंट की गुणवत्ता में तो कमी पहला दिख रहा है और जो इसका नींव होना चाहिए नींव जो है इसका जो है काफ़ी ऊंचाई पे है इससे लगता है कि ये मकान जो है गिर सकता है ये मकान गिर सकता है इसकी जो है गुणवत्ता में पूरी तरह कमी दिख रही है यहाँ पर जो है। और यहाँ पर कुछ ग्रामीण जुटे हुए हैं इनसे भी हम बात कर लेते हैं। अच्छा अभी सेक्रेटरी से हम लोग हमारी बात हुई जी क्या आपने इससे पहले किसी अधिकारी कर्मचारी को सूचित किया था? नहीं मैं तो अभी सर किसी से बात नहीं किया। अच्छा अच्छा तो जब आपको ये जानकारी मिली तो ये जो इसका निर्माण कितना हो चुका था? इसका निर्माण सर वही एक दो तीन ईंटें नीचे हुई थे तभी तो हम देख रहे इसी तरीके से काम हो रहा है। अच्छा अच्छा अभी एक वीडियो इन्होंने दिखाया है उस वीडियो में दिखा रहे हैं कि सिर्फ एक बित्ता जो है नीचे तक खुदाई हुई है सिर्फ एक बित्ता जो कि जमीन से 3.5 फीट होना चाहिए माना के अनुसार जो है अव्वल ईटा लगना चाहिए 3-1 का मसाला होना चाहिए ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा ये जो शौचालय बन रहा है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम क्या कहेंगे हम क्या कहेंगे? अच्छा बताइए क्या ये ईट ऐसा लगना चाहिए आपके मकान में इस तरह की ईट लगेगी? नहीं नहीं लगवाएंगे नहीं। अच्छा बताइए अगर ये ईट जो है अगर ये ईट इस तरह को इसमें लग रही है हाँ। ये गिर सकता है कि नहीं? गिर सकता है गिर सकता है माना के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है। क्या नाम है आपका? अमित यादव। अच्छा कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ पे देखिए सब बालक ग्रामीणों ने बयान दिया कि माना के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है ईंट आप लोग देख सकते हैं कैमरामैन ईंट को दिखाइए ईंट आप लोग देख सकते हैं ईंट जो है यहाँ पे ईंट जो है ईंट लाइए हम दिखाते हैं। हाँ दिखाइए आइए देखिए ये जो है ईंट है जो है इसको पटक दिया जाए तो ये जो है चूर चूर हो जाएगी जो है और देखिए जो है ये गुणवत्ता में जो है काफी ही खराब है जो है ये ईटा कहीं नहीं लग सकती है मकान में ये तो विद्यालय में कि कौन लगवा रहा है उसका जो है जिम्मेदार जो है वही होगा जो है बच्चे दबेंगे मरेंगे जो है वही जिम्मेदार होगा जो हाँ। बताइए ये ईट जो है इसमें देखिए भरभरा की ईट टूट गई देखिए यहाँ पे हमने इसको पटका ये टूट गई तुरंत टूट गई ये जो है इसमें तमाम कमियां दिख रही हैं। अभी सेक्रेटरी से बात हुई सेक्रेटरी अभी आए नहीं हैं
प्रधान को सूचना गया, प्रधान भी मौके पर नहीं आए, सब लोग नदारत हैं। आप लोग बने रहिए खबरों में। आप यहाँ के प्रधान जी? प्रधान प्रतिनिधि हैं, विजय यादव नाम। अच्छा जी। तो अच्छा, आप प्रधान कौन है? प्रधान रामराज यादव हैं, पिताजी हमारे। अच्छा अच्छा। यहाँ पे जो ये ईंट लग रही है जी, क्या इसकी गुणवत्ता सही है? गुणवत्ता हमारे हिसाब से सही है सर। आपके हिसाब से सही है? अपनी आँख से देख लीजिए जो है, क्या इस तरह का ईंट जो है, इस तरह का ईंट जो है जैसे अपने मकान लगाएंगे? मेरी बात सुनिए, मकान मेरा नहीं बन रहा है पहली बात। जैसे टाली, एक टाली ईटा आता है तो उसमें दो चार ईंट गड़बड़ रहती है, ठीक है? पूरा टाली यही गड़बड़ है जो है सारी। जैसे ये मकान आपका नहीं बन रहा है? नहीं, ये शौचालय बन रहा है। शौचालय बन रहा है जी। तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये ईंट की गुणवत्ता कम है तो भाई इसके मैं वीडियो साहब को दिखवा दूंगा, अगर जो जो गुणवत्ता होगी उसकी एमबी कराई जाएगी, क्योंकि हम लोग चेक किया अभी ना। ठीक, मैं क्या कर रहा हूँ, जो इस मेरी बात सुन लीजिए, जो भी इसकी गुणवत्ता होगी उसी हिसाब से, यही हिसाब से बता के एमबी करा दी जाएगी। हाँ, नहीं आप कह रहे हैं कि मकान मेरा नहीं बन रहा है। अरे फिर मकान नहीं, मैं मकान, हाँ जी शौचालय बन रहा है जी, शौचालय हमारे। आप एग्रेसिव मत होइए, जिम्मेदार उसके जिम्मेदार हम हूँ, ठीक है? अगर कोई पूरी जिम्मेदारी मैं बनवा रहा हूँ, अगर इसमें कोई घटना घटती उसका मैं जिम्मेदार हूँ। अच्छा, लिखित रूप ले लीजिए, लिखित ले लीजिए, अगर कोई घटना घटती तब आप कैसे लिखित मांग रहे हैं जब मैं नहीं दे सकता? मेरी बात सुनिए, यही ना मांग रहे हैं? अगर ये मांग रहे हैं तो मैं दे दूंगा। आप पहले वर्ड बोले क्या मेरा बन रहा है, ये नहीं बोला हूँ क्या मेरा है, मेरी बात मैं कह रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी। ये कह रहे हैं ये अगर आपका मकान बनता तो लगवाते हैं, मकान नहीं, ये शौचालय बन रहा है हमारे ग्राम पंचायत के। शौचालय, क्या आप इसी गुणवत्ता से संतुष्ट हैं? मैं संतुष्ट हूँ। आप संतुष्ट हैं? जी मैं संतुष्ट हूँ। तो इस तरह से ईटा लगता है सभी शौचालय में? भाई ये तो मैं तो ये लगवाता हूँ, यही जब मुझे यही हमारे यहाँ से लाल पेटी आती है ये लगवाता हूँ। लाल पेटी आपको लग रही है? भाई मुझे तो यही लग रही है, आपको जो लग रही है आप, मैं क्या बताऊँ। तो ग्रामीण तो कह रहे हैं कि हम इसकी गुणवत्ता से हम लोग संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं है तो भाई आप अकेले संतुष्ट रह के कैसे चलेगा? मैं अकेले नहीं, मैं तो संतुष्ट हूँ भाई। जिसको दिक्कत है मैं वीडियो साहब से जाँच करवा दे रहा हूँ, मैं खुद कह के वीडियो साहब आगे ईटा देख लीजिए जो हो। मौके पर बुलाइए, एस्टीमेट तो वही बनाए होंगे? एस्टीमेट सेक्रेटरी नहीं बनाते हैं। कौन बनाता है? एस्टीमेट जेई बनाते हैं। तो जेई को बुलवाइए, जो जेई तो इतने टाइम नहीं आ पाएंगे। किसी संबंधित अधिकारी को आप बुलवाइए, फोन लगवाइए। संबंधित अधिकारी अभी ग्राम विकास अधिकारी आ रहे हैं, कृष्ण मुरारी यादव। अच्छा, आ रहे हैं? आ रहे हैं, ठीक है। ये थे जो है प्रधानपति जो है विजय जी, इन्होंने बताया कि हम इसकी गुणवत्ता से संतुष्ट हैं। इनके विपरीत ग्रामीणों ने जो आरोप लगाया कि इसकी गुणवत्ता में कमी है, ईंट बराबर नहीं है, मानक के अनुसार जो है यहाँ पे जो खड्डे की खुदाई होनी चाहिए वो कम से कम जो है 3 फीट होनी चाहिए। यहाँ पे बताया गया कि एक बित्ता जो है सिर्फ खुदाई हुई है, तो इसे ये जो है इसमें कमी पूरा तरह साफ दिख रही है। और प्रधान जो प्रधानपति जो जिम्मेदारी ले रहे हैं, कह रहे हैं कि हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। इसकी जिम्मेदारी मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। ये जो आप बता रहे हैं एक बित्ता वाली बात बता रहे हैं, ये जो कुर्सी है, ठीक है, कुर्सी के नीचे 10 ईंट लगा है, आप खन के गिन लीजिए, ठीक है? किसी के कहने और सुनने से कोई मतलब नहीं होता है। ये न्यू है, न्यू अस्तर है ना मिस्त्री जी। इसके नीचे लगभग क्या, लगभग 10 ईंट होगा जी। आप देख लीजिए 10 ईंटों की न्यू, अगर आपको कम लगती है तो आप जे हिसाब से फिर कह सकते हैं, या तो हमारे खंड विकास अधिकारी कार्यालय पे आप लिखित रूप में दे सकते हैं। अच्छा, ठीक है। हमारे पास एक वीडियो आया था जी, उसी वीडियो के माध्यम से हम लोगों को सूचना मिला, हमने ग्रामीणों से आके बात किया, उन्होंने बताया कि ईंट सही नहीं है, मटेरियल सही है, जो भी यहाँ पे खड्डे होने चाहिए वो खड्डे जो है मानक अनुसार कम है। मैं तो बता रहा हूँ, अगर 10 ईंट की अगर मान लीजिए न्यू है जी, तो आप बताइए कि यहाँ सही नहीं है, 10 ईंट की न्यू क्या फोटो दे दस जैसे यहाँ तक आप मिट्टी पाटेंगे, यहाँ तक आप मिट्टी पाटेंगे तो कितना होगा, कई फुट न्यू आएगी, आप बताइए ना। नहीं, इस तरह का ईंट जो है, मैं तो कह रहा हूँ जैसे यार वीडियो है, आप खोदे हैं कि मैं 10 ईंट की मेरे पास है, देख लीजिए अभी मेरे पास है, कहने से क्या मतलब है भाई, देख लीजिए मैं दिखा दूँ, 10 ईंट की न्यू है भाई, यहाँ तक न्यू रहेगी, इसके नीचे मिट्टी सपाटी जाएगी। 10 ईंट नीचे किए हैं? अरे यार ये जैसे ये है न्यू अस्तर है, समझ में आ रहा आपको कि नहीं? हाँ, ये न्यू अस्तर है, ठीक है, इसके नीचे 10 ईंटें लगी हुई, यहाँ से गिन लीजिए आप, ठीक है? ठीक। अच्छा, क्या अपना परिचय दीजिए आप। ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सदरपुर। क्या नाम है आपका? कृष्ण मुरारी यादव। अच्छा, यहाँ पे जो है, यहाँ पे सामुदायिक जो है शौचालय बन रहा है विद्यालय के लिए जी, जी हमें बच्चे पढ़ते हैं जी। यहाँ पे गांव वाले कह रहे हैं कि ईंट सही नहीं है, इसकी जो खुदाई होनी चाहिए 3.5 फीट होनी चाहिए, ऊपर से ही बन गया, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं तो ये गड़बड़ है तो उसको हम हटवा के काम बंद करवा के दूसरा ईंट का प्रयोग कर दे रहे हैं। अच्छा, यदि अभी वो है जैसे अभी ये जो है अभी गिर जाए, कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाए
तो इससे नुकसान होगा, क्षति होगी ना, किसी के जान माल का खतरा बना रहेगा। नहीं ऐसा नहीं होगा ना। अच्छा, तो इसको कब तक करवाएंगे आप? इसको अभी वो जो ईंट उसको हटवा के दूसरी ईंट का प्रयोग किया जाएगा। अच्छा, तो कौन सी ईंट लगवाएंगे? हवल ईंट। अच्छा, ये कौन सी ईंट लगी लग रही है आपके नज़र में? अरे आप लोग देख रहे हैं यूथ कॉर्नर में दिनेश प्रजापति, कैमरा नीरज के साथ। हम लोग सदरपुर में मौजूद हैं। अभी सिक्रेटरी साहब आए हैं, जो है अपना परिचय दिए और बताए कि यहाँ पे जो भी कमियाँ हैं हम इसको दूर करेंगे और जो भी मानक के अनुसार यहाँ पे कार्य करवाएंगे और सही मटेरियल का प्रयोग करते हुए हम जिम्मेदारी लेते हैं, इसका सही निर्माण करवाएंगे। ठीक है, इसी तरह कैमरों में आप लोग बने रहिए। यूथ कॉर्नर के साथ दिनेश प्रजापति, कैमरा नीरज के साथ।